जैसा मैंने सोचा था कैके, सब कुछ उसी अनुसार हो रहा है। तुम चिंता मत करो। माँ, महारानी मांडवी, महारानी मांडवी की जय हो, महारानी मांडवी की जय हो। बधारो मांडवी, आओ महारानी। केके देखो, तुम्हारी वधु आई है, अयोध्या की महारानी आई है, महारानी मांडवी। क्या हुआ मांडवी? माँ, मैं जानती हूँ आप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं, और आपने जो भी निर्णय लिया है अपने पुत्र भरत के भविष्य को सोचकर ही लिया होगा। पर माँ, जिस पुत्र के लिए आप ये सब कर रही हैं, यदि आप उनसे एक बार पूछ लेती कि क्या उन्हें ये स्वीकार है, क्योंकि मैंने जितना भी उन्हें जाना है, मुझे नहीं लगता कि भैया राम को वनवास भेजकर वो कभी भी प्रसन्न रह सकेंगे। ये बहुत पीड़ा होगी माँ। तुम भी मुझे यही समझाने आई हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं, राम को वन जाने से रोक लूं। मां, मैं आपको समझाने नहीं, आपसे निवेदन करने आई। यदि आप अपने पुत्र से इस विषय में एक बार बात कर लेते तो मेरे मन का क्लेश दूर हो जाता। प्रत्येक कार्य का सदैव एक कारण होता है, और मैं नहीं चाहती कि आने वाला समय भैया राम के वनवास जाने का कारण मेरे पति को माने। मेरे पति को धिक्कारा जाए। अयोध्या के पावन वंश के विखंडन का कारण मेरे पति को माना जाए। नहीं चाहती बा, नहीं चाहती। कैके, अवश्य कौशल्या ने इसे तुम्हारे पास भेजा होगा। वो भरत को राजा बनते हुए नहीं देख सकती कैके। जब उसकी कही नहीं चली तो उसने मांडवी को उकसाया। यदि राम अधिक समय तक अयोध्या में रुका तो हो सकता है कैके कि कौशल्या अयोध्या की प्रजा को उकसा दे, और यदि ऐसा हुआ तो अयोध्या की प्रजा भरत को राजा मानने से मना कर देगी कैके। पर ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं होगा मंथरा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राम को आज ही वन निकलना होगा। राम, दशरथ के वंश का विनाश करना था, वो कर चुकी है। ये अब कोई सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं। सहानुभूति नहीं,
किंतु अपने वचन स्मरण कराने आई हूं। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। राम, तुम्हें आज और इसी क्षण वन के लिए निकलना होगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, और ऐसे बिना अधिकार मेरे कक्ष में आने की अनुमति तुम्हें किसने दी? सिपाहियों, ले जाओ इस स्त्री को और मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। शांत पिताजी, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। आपका वचन शिरोधार्य है। मैं आज ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। रुक जाओ राम, इस दुष्ट स्त्री को दिए किसी भी वचन की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। राम, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ राम, राम।
था को समझी स्वामी।